कोरोना वैश्विक महामारी के बीच राजनीतिक बयानबाजी को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं है। बीजेपी के नेताओं को चाहिए कि सरकार के साथ मिलकर कोरोना वायरस से बचाव के उपायों में साथ दें। जो अनावश्यक रूप से जाके वहां भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, बाधा पहुंचा रहे हैं सरकारी प्रयासों में, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सांगानेर की बात हुई, सांगानेर में भाजपा के पूर्व पार्षद ने जाके झगड़ा किया, एक आदमी के सिर में भी चोट आई। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इन बातों पर राजनीति नहीं करते, राजनीति नहीं करना चाहते। मैं सतीश पूनिया जी से, अशोक लाहोटी जी से, अशोक परनामी से विनती करना चाहता हूँ, इन ये जो उनके मन में जो बातें आ रही हैं, इनको आगे के किसी और समय के लिए रखें। अभी एकजुट होकर जो प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है, उन प्रयासों की सराहना करें। और ये भी कहना चाहता हूँ, अरुण चतुर्वेदी जी का बयान पढ़ा और भाजपा नेताओं का बयान पढ़ा, इस जगह पर क्वारंटीन सेंटर नहीं बनना चाहिए, इस अस्पताल में इलाज नहीं होना चाहिए, उनको ये कहने का हक नहीं है। वो अगर ये कहना चाहते हैं कि इस जगह पे क्वारंटीन सेंटर नहीं बनना चाहिए या इस अस्पताल में इसका इलाज नहीं होना चाहिए, तो उनको सजेशन के साथ आना चाहिए, लॉजिकल तरीके से उनको ये बयान देना चाहिए कि नहीं भाई, ईएसआई में आप जांच करते हैं, कोरोना पेशेंट्स को रखते हैं, तो इससे बेहतर जगह ये हो सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अजमेर के विजयनगर में मसूदा विधायक राकेश पारिक ने रविवार को तहसील स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें